आप परिवर्तन रैली की जो पोस्टर है उसमें आपकी तस्वीर नहीं, कमेटी बनी में आपको उसमें नहीं, आप रह कहां जाते हैं? यही तो खूबी है कि मैं कहीं नहीं हूं और सब जगह भी हूं। मैं और कहीं भी नहीं, मतलब आप भगवान हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मैं भगवान हूं, ये भी कहा कि मुसलमानों को 5-10 साल के लिए वोटिंग होनी नहीं देनी चाहिए। आप जब मेरी परंपरा को जान रहे हैं तो फिर आपको मुझ पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम तोड़ रहे हैं, इस पे तो आपको खुश होना चाहिए। मैं एक हिंदू हूँ, आपको जाति तो अच्छी है लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिढ़ क्यों हो गई, ये गलत बात है। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मुस्लिम होते हैं जो दंगा कराते हैं, ये क्यों होता है इसका जवाब आप लोगों को तलाशना चाहिए। ये बताइए कि जब एक हिंदू लड़की का अपहरण होता है तो आप कहते हैं कि 10 मुसलमान लड़कियों को उठा ले, ये कहां तक बात सही है, इस तरह से बोलना चाहिए? ये घटना वहां की नहीं, ऐसी बात बोलकर कि आपको लगता है ये न्यायिक बात है बाकी और लड़कियों के लिए? आप ये जो बात बोलते हैं कि हिंदू युवा बानी बंदूक बांटेगी, आपको बांटना चाहिए बंदूक, बिल्कुल शास्त्र और शस्त्र दोनों चलेंगे, हमारी परंपरा है। तो आप कैसे समाज चाह रहे हैं कि इधर भी बंदूकें हैं उधर भी बंदूकें हैं, गोलियां चलेंगी, लोग मारे जाएंगे? आपके संविधान में किस धारा में लिखी हुई, कहां लिखी? मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड योगी जी के सामने अगर कोई अयोध्या का प्रसंग लेकर के आ जाता है तो तिलमिला उठते हैं वो, कि अयोध्या की जनता ने उनको जो नकारा है, जो रिजेक्शन उन्होंने फेस किया है, उस वजह से उनको बड़ी तकलीफ होती है। और मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, पर रियली ही डिजर्व्स इट। हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलामु अलैकुम, मैं निधि शर्मा इंडिया से। और आए दिन पत्रकार महोदय जो होते हैं, इतना मैं उनको सम्मान इसलिए दे रही हूँ क्योंकि पहले योगी मोदी के सामने किसी की आवाज खुल ही नहीं पाती थी, बोलती बंद हो जाती थी, पर आज वक्त बदल रहा है। भारत देश की राजनीति अंगड़ाई नहीं बल्कि करवट ले रही है। सच्चाई ये भी है कि मोदी जी के सामने आज भी पत्रकारों का मुंह नहीं खुल पाता है क्योंकि मोदी जी पत्रकारों के सामने ही नहीं आते हैं। वो ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना रियल इंटरव्यूज करते हैं, उनके सारे स्क्रिप्टेड होते हैं। पर योगी जी की आजकल ना एंकर्स अच्छी खासी वाली क्लास ले रहे हैं, ऐसी तैसी कर रहे हैं उनकी। और एक प्रार्थना है मेरी भगवान से कि अगली दफा अखिलेश यादव जी को चीफ मिनिस्टर बना दें उत्तर प्रदेश का, पर ये रोगी जी हमको रास नहीं आ रहे। मैंने रोगी बोल दिया ना योगी की जगह, ये बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था। ये संविधान में कहां लिखी गई है कि आप बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो, उनका कत्लेआम करो और प्रशासन नपुंसकों की तरह चुपचाप बैठा रहे? ये कहां लिखा गया है, ये कहां लिखा गया है? योगी जी अगर देखिए आप नाराज हो गए। नाराज नहीं हो रहा हूं मैं। क्या ये जो आप बात कहते हैं हथियार वाली, संविधान में कहीं लिखी हुई है? मैं कहता हूँ संविधान में कहाँ लिखा गया कि बहुसंख्यक समाज का कत्लेआम करो, ये कहाँ लिखा गया है? क्या आप कहाँ लिखा गया है? क्या आप एक सवाल का जवाब सवाल से देंगे? आपके पास सीधा जवाब नहीं, मैं इस आपके सवाल ही इस प्रकार के हैं कि उसमें सवाल करना आवश्यक हो जाता है। मतलब मेरे सवाल ऐसे हैं कि आप जवाब नहीं दे पा रहे। जवाब आप आते हैं चुनाव से पहले, चुनाव को हिंदू मुस्लिम गरम करते हैं, थोड़ा उसमें आप अपने डायलॉग लगाते हैं और आप किसी तरह से वोट पाने की कोशिश करते हैं, जो राज्य सरकार जो चरमराती जा रही है। आप नहीं, नहीं, आपने तुरंत आप परिवर्तन रैली की जो पोस्टर है उसमें आपकी तस्वीर नहीं, कमेटी बनी में आपको उसमें नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप रह कहां जाते हैं? यही तो खूबी है कि मैं कहीं नहीं हूं और सब जगह भी हूं। नहीं और कहीं भी नहीं, मतलब आप भगवान हैं। मैं सब जगह हूं, मुझे लगता है जो जिस रूप में मानेगा मैं उस जगह वहां पे हूं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मैं भगवान हूं। मैंने कभी इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, मैं एक योगी हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। ध्रुवीकरण की बात होती है, आपको सबसे आगे रखा जाता है। देखिए खास किस्म की राजनीति चाहिए होती है, आप सबसे पहले आते हैं। आपने कभी आत्ममंथन किया इस पर, कभी आत्मचिंतन किया इस पर? हाँ, मैं गंभीरता से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आत्ममंथन के बाद ही मैं इस बात को बोलता हूं। इस देश में एक और कश्मीर को बनने से बचना होगा, और बचाने के लिए मुझे लगता है कि अपने स्वार्थों की राजनीति को तिलांजलि देकर के आगे आना होगा। नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा पीठ है, बहुत सम्मानीय पीठ है, इसका आप इतिहास देख लीजिए। गांधी जी की हत्या हुई 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि गांधी जी को मारना चाहिए, ऐसा आह्वान किया, 9 महीने जेल में रहे। आप जिनको वो आपको गुरुजी मानते हैं, पिता तुल्य हैं आपके, लगातार जुड़े रहे। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को 5-10 साल के लिए वोटिंग होनी नहीं देनी चाहिए। आप भी उसी तरह की बात करते हैं, तो इसी आपत्ति नहीं, इसीलिए आप जब मेरी परंपरा को जान रहे हैं तो फिर आपको मुझ पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलिए मैं उस अनुसरण उस लाइन का अनुसरण कर रहा हूँ, जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम तोड़ रहे हैं, इस पे तो आपको खुश होना चाहिए।
इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। आपकी पार्टी ने में ही एक विशेष ब्राह्मण वर्ग है जिनको इस तरह की बातें नहीं पसंद आती, जिनको आप जो ये जो कड़ा रवैया अपनाते हैं वो नहीं पसंद आता। देखिए, मेरी बात किसको पसंद है किसको नहीं है, मुझे लगता है कि जिसको पसंद है वो मुझे बुलाते हैं, जिसको पसंद नहीं है मैं वहाँ स्वयं नहीं जाता हूँ, और लोग मेरी बात को मानते हैं, मेरी बात को स्वीकार कर रहे हैं। बाकी मुझे देखिए, एब्सोल्यूट कोई नहीं हो सकता है, 100% किसी की बात को कोई नहीं स्वीकार कर सकता, लेकिन जो सच है उस सच को बोलने के लिए साहस चाहिए और उस साहस को हम बोलने का प्रयास करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैं हमारी संत परंपरा में जाति नहीं देखी जाती है, और अत्यंत शर्मनाक माना जाता है जब संत को किसी जाति विशेष से जोड़ते हैं। मैं एक हिंदू हूँ और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूँ। आपको जाति तो अच्छी है लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिड़ क्यों हो गई, मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे भाई, आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति साथ जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है कि खास ब्राह्मण वर्ग है। राजनाथ सिंह आपकी बातों को नहीं सही मान रहे हैं, आपने कहा कि कैराना कश्मीर बनता जा रहा है, वो कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। मैंने पूरे क्या कहना चाहेंगे आप राजनाथ सिंह जी को आज? देखिए, राजनाथ सिंह जी हमारे बड़े नेता हैं, मैं उनको जो कहना उन्होंने कहा है, लेकिन मैं इस बात को बोलता हूं, इस स्थिति जिस प्रकार से है, मैं जिस तेजी के साथ खराब हुई है, अगर समय रहते उसको नियंत्रित नहीं किया गया। वो भी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर है। राजनाथ सिंह ने कुछ ऐसे, तो ये सब लोग आप ही की पार्टी के लोग? ठीक बात है ना, ठीक बात है, ये सब पहले लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है। कश्मीर में भी पहले लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई थी, बाद में 19 जनवरी 1990 घटित होता है। 19 जनवरी 1990 पे क्यों नहीं चिंतन होता है, क्यों नहीं इस पे चर्चा होती है? 19 जनवरी 1990 के बारे में कोई चर्चा आज तक नहीं हो रही है। कारण है, हिंदू मारे गए, हिंदू भगाए गए, हिंदुओं का सामूहिक कत्लेआम होता है। क्या हिंदुओं इस देश में कहीं एजेंडे में नहीं है, उसका कोई भी आके कत्लेआम कर ले। उत्तर प्रदेश में कश्मीर की इस दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी को होने से बचाना होगा, और इससे पहले ये चीजें आए हमें केराना और कंदरा जैसी घटनाओं को रोकना होगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अखिलेश यादव बुरा है, बिजली हिंदू और मुसलमान देख के बांटी जाती है। उन्होंने आपको कहा कि भाई बिजली का तार छू लीजिए, करंट लगेगा, पता चल जाएगा। देखिए, मैंने एक कहानी पढ़ी थी बचपन में चंगू और मंगू की। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मैं देखता हूँ तो उनकी कथा मुझे लगती है वो चंगू की तरह है जो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जी ठीक है। और क्या ये सच नहीं कि उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण में इन्होंने भेदभाव किया है? क्या इन्होंने मोहल्लों में और पर्व और त्योहारों में इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया है? आखिर समझाएं कौन, जो व्यक्ति अपने बूढ़े पिता को ही टूटी साइकिल से उतार कर फेंक सकता है, उसकी जनता के लिए उसके कोई मायने नहीं। ये अन्याय है, और ये ही बताता है कि इन्होंने समाज को इसी आधार पर बांटा है। तो क्या आप जाइए ना देखिए, या फिर ईद के समय देखिए, ये जो कट्टरपंथी वाली आपकी छवि है, हमारी कोई कट्टरपंथी वाली छवि नहीं है। क्या आपने कभी, मैं कह रहा हूं मैं कट्टरपंथी हिंदू नहीं हूं, एक हिंदू के रूप में, एक सन्यासी के रूप में, एक योगी के रूप में जो सच है उस सच को बोल रहा हूं। बीजेपी की एक कट्टरपंथी छवि रही, इन्होंने अपनी छवि बदली, विकास की बात करते हुए आए, अपना काम लेकर नरेंद्र मोदी और छा गए। क्या आपने कभी आत्ममंथन किया है कि अगर मुझे ज्यादा लोगों की मदद करनी है तो ये एक रास्ता है जो मोदी जी ने दिखाया, इस पर चलना चाहिए? विकास हमने किया है, आप गोवा के विकास को देखेंगे तो मुझे लगता है आप ये प्रश्न मुझसे नहीं पूछते। मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदुत्व की इस हिंदुत्व को आप विकास का विरोधी मत ठहराइए। हिंदुत्व और विकास एक दूसरे के पर्याय हैं, और हम लोगों ने विकास कराया है में, और प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से अच्छा विकास। चलिए अब आप सुन लीजिए, क्या बड़ी आबादी को क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए? आप पार्लियामेंट के आगे खड़े होकर, और आपकी भाषा तो होती है, आपने कहा कि बेमौसम बरसात है। आप महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, उनको पढ़ाएंगे नहीं, भ्रूण हत्या कर देंगे। अरे प्रतिबंध लगाना है, भ्रूण हत्या पे लगाइए, उसको पढ़ाइए लिखाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए, आगे बढ़ाइए। और हमने इसी बात को कहा, आरक्षण हर समस्या का समाधान नहीं। यही तो होता है योगी जी, आप तिरछे चले जाते हैं। पार्टी ने एक तरफ, ये सीधा रास्ता है, सुन तो लीजिए, गुमराह करने वाला रास्ता नहीं, सुन तो लीजिए, सच्चाई वाला रास्ता है, वही सच्चाई हम बोल रहे हैं। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मुस्लिम होते हैं जो दंगा कराते हैं? मैंने ये नहीं कहा, लेकिन ये सच है, दुनिया में हर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र अति संवेदनशील होता है और असुरक्षित होता है। ये क्यों होता है, इसका जवाब आप लोगों को तलाशना चाहिए। ये सोच, इस प्रकार का वक्तव्य, मुझे लगता है कि हम इससे सहमत नहीं है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, हम लोग का आधार और मुस्लिम को नहीं मानते। ये बताइए कि जब एक हिंदू लड़की का अपहरण होता है तो आप कहते हैं कि 10 मुसलमान लड़कियों को उठा ले, ये कहां तक बात सही है, इस तरह से बोलना चाहिए? ये घटना वहां की नहीं है, सामान्य बात नहीं है। आजमगढ़ में 3 हिंदू बालिकाओं का अपहरण होता है, उनका रेप होता है, उनकी हत्या होती है,
FIR लॉज नहीं होता है। हम लोगों ने फिर प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर आप न्याय नहीं दे सकते हैं तो क्या आप इस प्रकार का वो देना चाहते हैं कि अगर एक हिंदू बालिका के साथ ये करें तो हिंदू को भी क्या आप इस प्रकार का वो करेंगे, इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेंगे? कानून का राज है तो कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए, ये प्रशासन का दायित्व है। लेकिन ऐसी बात बोलकर कि आपको लगता है ये न्यायिक बात है बाकी और लड़कियों के लिए? वो न्यायिक है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ये महत्वपूर्ण ये है कि उस समय जनता के हित में जो होगा हम वो करेंगे। आप ये जो बात बोलते हैं कि हिंदू युवा वाणी बंदूक बांटेगी, आप ये बोलते हैं मेरा ये वक्तव्य नहीं, लेकिन अगर रक्षा के लिए आवश्यक होगा तो बांटना चाहिए बंदूक। बिल्कुल, शास्त्र और शस्त्र दोनों चलेंगे, हमारी परंपरा है शस्त्रण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता परिवर्तते, हम दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। एक तो अगर हम विकास की बात करेंगे तो सुरक्षा की बात भी करेंगे, दोनों साथ चलेंगे। तो आप कैसे समाज चाह रहे हैं कि इधर भी बंदूकें हैं उधर भी बंदूकें हैं, गोलियां चलेंगी, अगर, लोग अगर मारे जाएंगे। शासन प्रशासन फेल हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से जनता को अपनी रक्षा के लिए स्वयं खड़ा होना चाहिए और जनता खड़ी हो रही है। ये बात आपके संविधान में किस धारा में लिखी हुई है, कहां ये संविधान में कहां लिखी गई है कि आप बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो, उनका कत्लेआम करो और प्रशासन नपुंसकों की तरह चुपचाप बैठा रहे, ये कहां लिखा गया है? अगर न्याय पाने का अधिकार किसी एक जाति और मजहब को है तो बहुसंख्यक समाज को भी है। देखिए आप नाराज हो गए। नाराज नहीं हो रहा हूं, मैं इस बात को कह रहा हूं कि संविधान किसी जाति किसी मजहब को भी छूट नहीं देती है कि सरेआम कत्लेआम करें या एक वर्ग विशेष को पलायन करने के लिए मजबूर कर दे। क्या ये जो आप बात कहते हैं हथियार वाली संविधान में कहीं लिखी हुई है? ये मेरा वक्तव्य कहीं है ही नहीं, तो आप अपने तरीके से अपने बात को मेरे मुंह में डाल रहे हैं तो मैं उसकी बात कहां से कर सकता हूं। लेकिन ये शास्त्र सम्मत है तो मुझे लगता है कि शास्त्र सम्मत है तो हमें उसका अनुपालन करना चाहिए। ये कहां लिखा हुआ संविधान में? मैं कहता हूं संविधान में कहां लिखा गया कि बहुसंख्यक समाज का कत्लेआम करो, ये कहां लिखा गया है? क्या आप कहां लिखा गया है? किसने कहां लिखा है कि कश्मीर से हिंदुओं को पलायन करा दो, कश्मीरी पंडितों को मार डालो, ये संविधान में कहां लिखा गया है? क्या आप एक सवाल का जवाब सवाल से देंगे? आपके पास सीधा जवाब नहीं है। मैं इसीलिए आपके सवाल ही इस प्रकार के हैं कि उस पर सवाल करना आवश्यक हो जाता है। मतलब मेरे सवाल ऐसे हैं कि आप जवाब नहीं दे पा रहे। जवाब नहीं, जवाब के साथ सवाल करना आवश्यक है। तो आप पर ये तो मानते हैं कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है जो आप कह रहे हैं? संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है। संविधान हर नागरिक को, भारत में किसी नागरिक को जाति मत मजहब या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। प्रदेश में हुआ है और देश के कई राज्यों में अतीत में ये हुआ है। जनता को बुनियादी सुविधाएं देने की बजाय सपा ने 15 वर्षों में कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल बना करके केवल ग्राम समाज की जमीन को गरीबों की जमीनों को कब्जा किया है। भारतीय जनता पार्टी तो विकास भी करेगी। अब मैं आपसे पूछूं सवाल, उत्तर प्रदेश की हालत ही खराब है, आप हथियार देने तक की बात कर देते हैं, आप क्यों नहीं? आप आते हैं चुनाव से पहले, चुनाव को हिंदू मुस्लिम गरम करते हैं चुनाव को हिंदू मुस्लिम गरम करते हैं, थोड़ा उसमें आप अपने डायलॉग लगाते हैं और आप किसी तरह से वोट पाने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लगता है कि मेरे बारे में पूरी जानकारी नहीं है? आपको जानकारी होती तो प्रश्न आप मुझसे नहीं पूछते, समझ में? तो अगर आपने देखा होता ये प्रश्न आप मुझसे नहीं पूछे होते और इस प्रकार के प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती आपको। आपको जानकारी नहीं, यहाँ पर बात सुनिए पहले, मुसहर जाति के लोग जो भूखों मर रहे थे, अगर इन आंदोलनों को कभी आप लोगों ने सही ढंग से देखने का प्रयास किया होता तो संभवतः ये प्रश्न आप कभी नहीं पूछते मुझसे। जो राज्य सरकार जो चरमराती जा रही है, आपने उन्होंने देखे होते तो प्रश्न ही आप मुझसे नहीं पूछते। एक दूसरा नहीं, वो मैंने देखा है, आपने रोते हुए वो मैं समझता हूं, मैंने कहा ना वो संवेदनशीलता है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस बात को कहा। आपने हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया है, आप अली नगर का नाम आर्य नगर रख देते हैं, उर्दू बाजार का हिंदी बाजार, ये कहां जाके रुकेगा आपका? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, अतीत के गौरव के साथ वर्तमान को जुड़ना चाहिए। हम किसी संकीर्ण दायरे में चलने के बजाय हाईवे पे चलें। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ताजमहल का भी नाम बदलवा देंगे, सबका नाम बदलेंगे। क्या होगा जी ताजमहल का नाम? वो तो आप तय करेंगे। नहीं, मैं क्यों, आप बदलवाना चाहते हैं, मैं कौन होता हूँ जी? आप जब तय करेंगे हम तय कर देंगे। नहीं, पर आपने मतलब आप क्या कह रहे हैं, ताजमहल बदलवाना चाहते हैं, नाम पर नाम नहीं सोचा योगी आदित्यनाथ? मैंने कहा ना समय आने दीजिए, हर चीज का इंतजार करिए, सारी चीजों में एक बार बोल दूंगा तो फिर अगली बार का कौन सा मसाला मिलेगा आपके पास? अच्छा, आप इस तरह से करते हैं, मसाला बचा बचा के चलते हैं। मैं तो सोचा कि आपके पास बहुत मसाला है, इसीलिए कह रहे हैं ना कि सारी चीजें एक बार बोल देंगे तो अगली बार के लिए भी कुछ रखिए अपने लिए। प्रधानमंत्री जी त्रिशंकु वाली बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य कहा है कि कोई भी ऐसा कार्य आप ना करें और उन लोगों को कतई ना भेजें जो सुरक्षा के लिए स्वयं खतरा पैदा करने वाले हैं। अगर आपसे कहे केंद्रीय नेतृत्व कि हिंदू युवा वाहिनी को बंद कर दीजिए, मैं एक मिशन के साथ जुड़ा हूँ, अपने अभियान के साथ लगा हूँ कि जनता मुझे चुनके भेजती है, का समग्र विकास करता हूँ, हिंदू समाज की रोटी खाता हूँ, हिंदू समाज के लिए कार्य करता हूँ, यही मेरे जीवन का ध्येय है, बाकी कोई ध्येय नहीं। ये जो कट्टरवादी हिंदूवादी बात है उससे हम लोग 15 सुन लीजिए, और फिर उन्होंने विकास उसमें जोड़ा,
बाद में आया विकास। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की क्या इस तरह का कोई बदलाव आपके अंदर दिखाई देगा? विकास हमारा पहले भी एजेंडे में था, विकास हमारे एजेंडे में आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। हिंदू न कट्टर होता है न सॉफ्ट होता है, हिंदू केवल हिंदू होता है, और उस हिंदू को हिंदू के रूप में आप पहचाने तो आपकी बड़ी कृपा होगी हिंदू समाज पर। ये हिंदू हिंदू करते रहते हैं जबकि भारत देश के अंदर तो सारे ही धर्म रहते हैं, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भाई भी, और खुद से ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हिंदू समाज के लिए काम करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। आप पॉलिटिशियन हैं, किसी एक खास समाज से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ उसी समाज के लिए काम करेंगे और बाकी जो धार्मिक लोग हैं उनको आप नेग्लेक्ट करके चलेंगे। ऑल्सो अखिलेश यादव जी के पिताजी के लिए उन्होंने बोला कि टूटी हुई साइकिल पे से गिरा दिया, उतार दिया। अगर ये ऐसी पर्सनल टिप्पणी करेंगे किसी और के लिए तो ये खुद भी रिसीव करेंगे। क्या इन्होंने अपने पिताजी का अंतिम वक्त में ख्याल रखा? क्या ये उनके अंतिम संस्कार में गए? क्या ये अपनी फैमिली से जुड़े हुए हैं? अरे नाम के योगी हैं बस। योगी का जो असली मीनिंग होता है वो इनको नहीं पता, असलियत में ये भोगी हैं, इनको भोग करना आता है। और जब एंकर साहब ने पूछा कि आप ताजमहल का नाम भी चेंज करेंगे क्या, तो ये एक्सेप्ट कर रहे थे विद अ स्माइल ऑन हिज फेस कि हाँ आपको नेक्स्ट टाइम मसाला मिल जाएगा। वाकई में जंगल राज सिर्फ किताबों में और मूवीज में हमने देखा था, असलियत में आज एक्सपीरियंस किया कि कैसा साउंड करता है जंगल राज। होते तो हम कई सालों से देख ही रहे हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर जो हिंदू परिवार जाते हैं बड़ी खुशी से रहते हैं। मेरी फ्रेंड मीनल जैन नाम है उनका, तो वो जैनी है और वहाँ पर बड़ी इंडिपेंडेंट से रहती हैं। मुसलमान लोग उनको मोहब्बत भी करते हैं, उनके पापा के बिजनेस में पार्टनर भी हैं और सऊदी में हर जगह पर सर्विसेज प्रोवाइड भी करते हैं। वहाँ तो ये हिंदू मुस्लिम लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं और मुस्लिम्स ज्यादा हैं। तो योगी जी को ना वाकई में थोड़ी पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत अब तो पड़ ही गई है। पहले नहीं पढ़ाई करी थी चलता था, तब राजनेता नहीं थे। अभी ये सारी चीजें जनता नहीं एक्सेप्ट करने वाली है। और एक बहुत बड़ा सल्यूट एंकर साहब को, क्या ही कटाक्ष सवाल पूछे हैं। और हाँ, कश्मीर की योगी जी बात कर रहे थे। कश्मीरी पंडितों को जब भी हम याद करते हैं तो दिल में दर्द उठता है कि कैसे उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा कट्टरपंथी की वजह से, आतंकवादियों की वजह से। और वही आतंक गुजरात में भी मचा। गुस्सा इस बात पे आता है कि सिर्फ कश्मीर को हाईलाइट करते हैं, गोधरा कांड की बात नहीं करते। कश्मीर के हिंदूज और गुजरात के मुस्लिम्स को हमारा यही पैगाम है कि जो लोग दंगे भड़काते हैं ना, वो कोई धार्मिक लोग थोड़े ही होते हैं, वो तो आतंकवादी होते हैं। उनका कोई दीन धर्म जाति से रिलेशन नहीं होता, पर वो एक रूप धारण कर लेते हैं जिससे बाकी की जनता को लगता है कि यार इसने तो तिलक लगा रखा है तो शायद ये हिंदू होगा, इसने तो टोपी और दाढ़ी पहन रखी है तो ये मुस्लिम होगा, बट असलियत से इसका नाता नहीं होता। बहुत ही बड़े टेररिस्ट वो लोग होते हैं। और एक बड़े मास लेवल पर पॉकेट्स में बंदूक रखने की जो बातें करे, उसके दिमाग में कैसी खुराफात चलती होगी। क्या वो एक आतंकवादी है या एक समाज का भला कर देने वाला योगी, ये आप डिसाइड करेंगे। मुझे तो असलियत मालूम है और संभवतः आपको भी। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। मिलते रहिएगा, हमको ऐसे ही वीडियोस प्रमोट करने हैं ताकि अगली बार कोई चांस नहीं होना चाहिए बीजेपी के लिए। सचमुच ये हमारी दिली ख्वाहिश है कि इंडिया अलायंस को हम पावर में देखना चाहते हैं, विपक्ष में नहीं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।